नमस्ते मेडिकोस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम होता है न्यूफोस CD3 वेजाइनल सपोस्ट्रीज। लाइफ स्टार कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट है जिसकी MRP 96 रुपीज़ होती है 4-3 सपोस्ट्रीज की। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट में जानेंगे कि क्या होता है, इसका यूज़ किस तरीके के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है, क्या इसकी डोज होती है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, सबको जानेंगे शॉर्ट में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अपना सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूफोस CD3 के बारे में। तो न्यूफोस CD3 जो होती है दो मेन ड्रग का कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें से पहली होती है आपकी क्लिंडामाइसिन और दूसरी होती है क्लोट्रिमाजोल। तो क्लिंडामाइसिन जो होता है इसमें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 100 mg में प्रेजेंट रहता है, और दूसरा ड्रग जो है इसमें क्लोट्रिमाजोल वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 200 mg में इसमें प्रेजेंट रहता है, जो एक सोल्यूबल बेस होता है, उसमें क्वान्टिटी सफिशेंट सोल्यूबल बेस में डिजोल्व होकर बनाया जाता है। तो पहले शॉर्ट में जानते हैं इन दोनों ड्रग के बारे में। तो इन दोनों ड्रग का ओवरव्यू लेते हैं शॉर्ट में। तो इसमें जो पहली ड्रग होती है क्लिंडामाइसिन, ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है जो कि एक एंटीबायोटिक की क्लास होती है, जिसे कहते हैं लिंकोसामाइड। लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक क्लास से संबंधित होता है क्लिंडामाइसिन, जिसका इस्तेमाल एक्ने की कंडीशन में किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में किया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में किया जाता है, बैक्टीरियल नमोनिया हो सकता है ऐसी कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, स्किन इन्फेक्शन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्लिंडामाइसिन जो होता है बैक्टीरिया को किल कर देता है बॉडी में जाकर, जितना भी पैथोजन बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देता है, जिससे डिजीज़ क्योर होती है, ट्रीट होती है। मोड ऑफ एक्शन की अगर इसकी बात करें तो ये जो होता है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है उसको इंटरफेरेंस करता है, उसमें बाधकता डालता है, उसमें प्रतिरोधक डालता है, जिससे वो प्रक्रिया इंटरप्ट हो जाती है, जिस कारण बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। अगर इसकी बाइंडिंग साइट की बात करें तो ये बैक्टीरिया के 50S राइबोसोम पे, चलिए इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, कुछ ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो क्लिंडामाइसिन से जो होता है सीवियर डायरिया की कंडीशन जो होते प्रोड्यूस हो सकती है इन सब पेशेंट एज अ साइड इफ़ेक्ट, यानी किसी किसी पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट के रूप में, एडवर्स इफेक्ट के रूप में डायरिया की कंडीशन को कॉज कर देता है क्लिंडामाइसिन, जो सीवियर हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, ब्लड के साथ डायरिया हो सकता है, ऐसी कंडीशन को प्रोड्यूस कर देता है कभी कभार इन रेयर केसेस, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद अगर दूसरे ड्रग की बात करें तो दूसरा ड्रग होता है इसमें क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल की बात करें तो ये इमिडाजोल एक एंटीफंगल की क्लास होती है, तो इमिडाजोल एक एंटीफंगल क्लास का ड्रग होता है क्लोट्रिमाजोल, जो फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन आपने सुने होंगे, जैसे कि उसमें टीनिया होता है, एथलीट्स फुट होते हैं, ऐसे ईस्ट इन्फेक्शन होते हैं, इन सबको ट्रीट करने के लिए क्लोट्रिमाजोल का यूज़ किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन की अगर क्लोट्रिमाजोल की बात करें तो ये जो होता है अर्गोस्टिरोल सिंथेसिस जो होती है फंगाई में या फंगस में, तो उसको इनहिबिट कर देता है, उसको बंद कर देता है, जिस कारण से जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो उसका फंक्शन होता है उसमें इंटरफेरेंस होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जिस कारण से फंगाई सर्वाइव नहीं कर पाती है और वो डेड हो जाती है। ये जो होता है क्लोट्रिमाजोल जो होता है बैक्टीरियोसाइडल भी होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है, ये डिपेंड करता है इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कि कितने कॉन्सेंट्रेशन में दिया जा रहा है। अगर ये कम कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाता है तो एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करता है, यानी कि तब ये बैक्टीरिया को मारता नहीं है, बस उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन अगर ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में अगर दिया जाता है या यूज़ किया जाता है तो ये बैक्टीरियोसाइडल का काम करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो ये डिपेंड करता है इसके कॉन्सेंट्रेशन पे। अब न्यूफोस CD3 की अगर ओवरऑल बात करें कि किस तरह के पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है, तो इसका जो यूज़ किया जाता है इन्फेक्टेड ल्यूकोरिया की कंडीशन जो होती है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण ल्यूकोरिया, जिसे कहते हैं सफ़ेद पानी, श्वेत पदार्थ की जो समस्या होती है, उसको ट्रीट करने के लिए वेजाइनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो होता है इसका
वेजाइनल कैंडी एसिस की जो कंडीशन होती है उसको यूज़ किया जाता उसमें यूज़ किया जाता है। ट्राइकोमोनासिस की कंडीशन होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस की जो कंडीशन होती है उसमें यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी जो कंडीशन होती हैं, इन्फेक्टेड कंडीशन, फंगल इन्फेक्शन इन वेजाइना, यानी कि जो योनि के जो इन्फेक्शन होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन, योनि का इन्फेक्शन जो होता है उसमें ये प्रिस्क्राइब की जाती है फीमेल्स को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है। इसकी डोज की बात करें तो वेजाइनल इन्फेक्शन में इसको जो है 3 to 7 days यूज़ किया जाता है इन वेजाइनल यूज़ में, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो less than 1% की कंप्लेंट आती है इस वेजाइनल सपोजिटरी को यूज़ करने के बाद। वेजाइना में पेन की शिकायत हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिसऑर्डर हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है मासिक धर्म उसमें अनियमितता आ सकती है, और पेट में जो है मरोड़, एब्डोमिनल क्रैम्प्स जिसे कहते हैं वो हो सकता है, लोकलाइज्ड एनिमा हो सकता है यानी कि हल्का सा सूजन, और पानी भरने जैसी कंडीशन वेजाइना के आसपास हो सकती है इन रेयर केस, और किसी किसी पेशेंट में बर्निंग सेंसेशन होती है यानी जलन होती है ड्यू टू क्लोट्रिमाजोल। क्लोट्रिमाजोल जो होता है किसी किसी ये एक मतलब लगने वाला सब्सटेंस होता है, ड्रग होता है जो वेजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है या फिर जो लेयर होती है म्यूकस की या मेम्ब्रेन जो होती है उसमें जलन पैदा कर सकता है, तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट होता है। इसकी स्टोरेज की बात करें तो ये इसको जो स्टोर करा जाता है या 30 डिग्री से बिलो के टेम्परेचर पे इसको स्टोर करके रखना चाहिए, अदरवाइज़ ये मेल्ट हो जाती है। साथ ही साथ आपको दिखा दें कि कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है, ये एक कैप्सूल टाइप का पैकिंग होती है इसकी जो वेजाइनल यूज़ के लिए होता है। इसे यहाँ ऊपर से खोला जाता है, ऊपर से खोलने के बाद इसे वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। तो सब कुछ हो गया इस वीडियो में इस न्यूफोर्स सीडी के 3 के बारे में। आशा करता हूँ अब आपको कोई भी समस्या या कोई भी क्योरी नहीं रही है इस न्यूफोर्स सीडी 3 के बारे में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो यही सब था आज की इस नए ड्रग के बारे में, न्यूफोर्स सीडी 3 के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।